हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। आज हम बात करेंगे जैसे आपके अमेज़ोन में ऑर्डर आते हैं वो आपको सेम डे या फिर उसके दूसरे दिन आपको पिकअप मतलब शेड्यूल करना रहता है। अगर वो आपका टाइम पर नहीं होता है तो आपको अमेज़ोन सेलर परफॉर्मेंस टीम को इन्फॉर्म करना रहता है, और या फिर आप इजी शिप का फॉर्मेट बताऊंगा आपको, वो फिलअप करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपका सेम डे पिकअप नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए जानिए, क्योंकि आप सेम डे मेल नहीं करेंगे अमेज़ॉन परफॉर्मेंस टीम को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आपका लेट शिपमेंट परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। इससे बेटर यही है, जब भी पिकअप ना हो आपका तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करें अमेज़न परफॉर्मेंस टीम को। देखिए दोस्तों, आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो आपको मेल करना है आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से sellerperformance@amazon.in पे। मेल करने के बाद आपको सेकेंड फॉर्म फिलअप करना रहेगा। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रखी हुई है, वहीं से आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बता देता हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस ऑर्डर का पिकअप नहीं हुआ है वो ऑर्डर की जो ट्रैकिंग आईडी होती है वो एयरवे नंबर, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। बाद में सेकेंड है रेट योर ऑल और पिकअप एक्सपीरियंस, आपको मतलब टाइम पे पिकअप हो रहा है या फिर वो डिले कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके हिसाब से आप गुड, न्यूट्रल और पुअर डाल सकते हैं। बाद में थर्ड ऑप्शन है आर यू पैकेज पिक्ड एज एक्सपेक्टेड, मतलब आपका पैकेज टाइम पे हो रहा है या नहीं, और जो भी यहाँ पे रीज़न दिए हुए हैं जो भी आपके रिलेटेड है वो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। बाद में फोर्थ है जो पिकअप बॉय आता है वो आपसे सही तरह से बात करता है या नहीं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। वो आप तीनों में से कुछ भी चूज़ करके, आप जो भी आपके रिलेटेड हो वो आप चूज़ करके ले सकते हैं। और फाइनल है जो भी ये पिकअप की प्रोसेस वो स्पीडली हो रही है या फिर वो डिले कर रहा है पिकअप बॉय, वो आपको यहाँ पे लास्ट में तीन ऑप्शन है, तीनों में से एक सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना रहेगा। इससे क्या होगा, जो भी आपकी आपके पिकअप बॉय है या वो सर्विस एजेंसी, वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और आपका नंबर देंगे उनको और पिकअप हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसी पे मेरी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।